2-year-old girl who fell into a bore well while playing has been rescued from Bandikul police station area of Rajasthan's Dausa after an 18-hour rescue operation. The NDRF and SDRF team have reached the child. She has been taken to the hospital for medical care. Let's in fact listen in to what the NDRF official said on the incident. बड़ी रिंग नहीं डाल पा रहे थे, छोटी में समस्या ये थी कि ये 600 फीट का बोर बेल था, हमने नीचे एल लगा रखा था और बच्ची जो है 28 फीट पर फंसी हुई थी। अब उसमें 12 फीट का केसिंग थी और नीचे बिना केसिंग का था बाकी एरिया, तो केसिंग होने की वजह से हम उसमें बड़ी रिंग नहीं डाल पा रहे थे, छोटी रिंग से उसका हाथ लॉक नहीं हो पा रहा था और बड़ी रिंग से उसकी डाल नहीं पाने की वजह से हम जो है उसको लॉक नहीं कर पा रहे थे। हमने उसके साथ ही क्या किया था कि इसकी पैरलर जो है अप्रोच स्टार्ट कर दिया था, तो हमने पैरलर में 28 फीट पे उसके पैर थे तो हमने 31 फीट की खुदाई की और उसके बाद जो है हॉरिजॉन्टल अप्रोच की 20 फीट दूर से, और हमने जो है 21वें फीट पे जो है उसके पैर के नीचे बिल्कुल सैंडल के वहाँ पे जाके अप्रोच किया और पहली बार में हमने सफलता प्राप्त कर ली। उसमें कोई सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया क्योंकि वो कंटिन्यू जो है हम सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए जो है बीच में कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया जिससे कि बच्ची की जान को कोई खतरा हो, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने जो है पहली बार में अचीवमेंट प्राप्त कर ली। Manu Sharma is joining us for more details on this story. Manu, finally, after a mammoth operation, the girl has been rescued from a bore well. Is that correct? ये बिल्कुल सही है, ये कि बहुत कम चांस होते हैं कि बोरवेल के पास में जो खड्डा था उसके अंदर जो बच्चे गिर जाते हैं उनको सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया जाए और जीवित बाहर निकाल लिया जाए। तो एक बड़ी बात है कि 17 घंटे के बाद में नेहरू को बचा लिया गया और करीबन 35 फुट गहराई के अंदर वो फंस गई थी और 17 घंटे के बाद में इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया और उसको अब हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, उसकी हालत ठीक है। कल रात शाम 5 बजे की घटना है, बच्ची खेल रही थी और खेलते खेलते ही उस गहरे गड्ढे में जो 35 फुट का था उसमें चल गई। आनंद फानंद में इस तरह का हुआ तो जैसे ही परिवार वालों को मालूम चला, गांव वालों को बताया गया, एनडीआरएफ को सूचित किया गया, एसडीआरएफ को, प्रशासन वहां पर पहुंचा, जिला कलेक्टर एसपी सारे वहां मौजूद थे, पूरी रात ऑपरेशन चला लेकिन सफलता नहीं मिल पाई थी। 12 बार इसके लिए प्रयास किए गए कि बार बार में एक जो देसी जुगाड़ होता है गाँव वालों के पास में उसके माध्यम से बच्ची को उस कांटे में फंसा करके बाहर खींच लिया जाए लेकिन नहीं हो पाया। 13वां प्रयास जो आज सुबह 10 बजे के करीब हुआ उसमें जब सुरंग पूरी खुद चुकी थी, 3 JCB लगाई हुई थी, 2 व्यक्ति जो है इसमें अंदर उतरे और बच्ची को बाहर लेकर के आए, तो जैसे ही बाहर लाया गया वंदे मातरम के नारे लगाए गए और लोगों में एक खुशी की वो थी बात क्योंकि 17 घंटे से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी कैमरे के माध्यम से, उसके पास में ऑक्सीजन खाने पीने का सामान भी भेजा गया लेकिन उसने टच नहीं किया, लेकिन ऑक्सीजन के माध्यम से उसको जीवित रखा गया और बाहर निकाल लिया गया है। अब उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है जहाँ पर उसकी हालत ठीक बताई जा रही है। जी बिल्कुल मनु, और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन रहा होगा, जैसे आप कह रहे हैं बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं बच्चे की सर्वाइवल के, मगर बहुत ही सफलता से ये हुआ है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीम्स वहाँ थे। ये ऑपरेशन के बारे में थोड़ा बताइए, कितने घंटे ये ऑपरेशन चला और कितना कॉम्प्लिकेटेड था ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन? देखिए बड़ा, एक तो बच्ची की उम्र 2.5 साल थी यानी वो कुछ समझ नहीं पा रही थी, जिस तरह के हालात पैदा हुए थे इसके कारण से काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बच्चा अगर थोड़ा बड़ा होता तो उसको समझा करके कैसे भी अगर वो उस कांटे को पकड़ लेता तो बाहर जल्दी निकाला जा सकता था, लेकिन बच्ची समझ नहीं पा रही थी इसी कारण से लगातार उसके पास में बिस्किट खाने पीने के सामान चॉकलेट दिए जा रहे थे उस कांटे के साथ में कि वो किसी तरीके एक बार पकड़ ले, लेकिन उसने पकड़ा नहीं। इसी कारण से जो 10-12 बार जो प्रयास किए गए वो सारे असफल रहे। आखिर में उस तक पहुंचना ही एक बड़ा प्रयास था कि 35 फुट की गहराई तक 3 JCB बराबर में लगा करके बोरिंग के पास में उसको खोदा गया और उसके लेवल तक वहां पहुंचा गया। उसके बाद में ही 2 लोग जो है एनडीआरएफ की टीम के वो लोग अंदर गए और उन्होंने उसको बाहर निकाला। यानी सबसे बड़ी बात है कि बच्ची की एक उम्र कम थी जिसके कारण से कुछ समझ नहीं पा रही थी और कैमरा और जो ये नई टेक्नोलॉजी के साथ में आजकल जो इस ऑपरेशन को पूरा करने के लिए एनडीआरएफ मदद लेती है वो सारे संसाधन वहां पर जुटाए गए। बांदीवी के पास की घटना है जोधपुरिया गांव में और वहां एनडीआरएफ और प्रशासन ने अपनी पूरी टीम के साथ में लगातार इसके अंदर कल शाम 5 बजे से जुटे हुए थे, आज सुबह 10 बजे जाकर के सफलता मिली है। इतना लंबा एक जो ऑपरेशन चला है 17 घंटे का और उसके बाद में बच्ची को जीवित बाहर। अभी हालत क्या है बच्ची की? बच्ची की हालत अब ठीक है, उसको बांदीकुई का जो उपजिला अस्पताल है वहाँ पर भर्ती करवाया गया है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.